वेरी बिग हेलो माई डियर फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू बींग अ वुमेन एंड लेट द माइंड ऑफ बेगिन। ऊपर दो कमेंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, सेक्शन आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स व्यूअर्स ने दी है वो ये मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मदर इन लॉ कुछ बोलती हैं हस्बैंड उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, और लॉट ऑफ वीमेन दे आर फेसिंग दिस थिंग, दिस प्रॉब्लम इमोशनली और सब तरीके से ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और उनको नहीं मालूम होता है ये चीज़ किसको किस तरह डील करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही है कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस बिगिन। जो है, यू बोथ शुड एक्ट लाइक अ टीम। टीम प्लेयर्स जानते हैं क्या करते हैं, वो गोल के लिए, अपने गोल के लिए काम करते हैं। तो आपका गोल क्या है? परिवार की खुशी, बच्चों की खुशी, अपने घर की खुशी। तो आप बिकॉज ही शुड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर, और आपके लिए एक सपोर्टर अ वेरी बिग हैंड फॉर यू। और कुल मिला के जो शॉर्ट में बोलना चाहूंगी कि सारी की सारी जिम्मेदारियों को इकट्ठा उठा के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए वहन करने वाला इंसान होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, इस तरह के लोग मिलते नहीं है ना कि प्रॉब्लम को सुने नहीं, आपको प्रोटेक्ट कर लें, मदर लोग गलत बोले जा रही हैं चुपचाप सुने जा रहे हैं। और आपकी सिचुएशन सोचिए जिसकी वजह से आप उस घर के अंदर आई हैं, वो बंदा आपके लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है, उल्टा सीधा आपको बोलती जा रही है मदर इन लॉ, आपकी सिचुएशन क्या होगी। वैसे लोग कहते हैं इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट, बोलते हैं, लेकिन इग्नोरिंग द प्रॉब्लम इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा भी नहीं। सो लेट अस टॉक अबाउट, बात करते हैं। नंबर वन पॉइंट इज डोंट प्ले द ब्लेम गेम। उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए, सास को, मदर इन लॉ को, क्योंकि देखिए आपकी खुशी उन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज के लिए डोंट नीड टू हैव हर एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपने पर्सनल डिसीजंस के लिए उनकी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सक्सेसफुल मैरिज चलानी है अगर, तो अगर आप करती हैं ऐसा तो भी मत करना, बंद कर दीजिए, तभी ये वाली चीज आपकी लाइफ जो है बहुत सही तरीके से चल पाएगी। क्योंकि अगर उनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए ये चीज की आप उनको ब्लेम करती रहेंगी, लेकिन अगर आप उनको इन्वॉल्व कर रही हैं और अगर उसके बाद भी, अगर आपके बगैर इन्वॉल्व किए हुए भी अगर वो शी इज पोकिंग हर नोज, उनकी आदत है अगर आपके मैटर्स में टांग अड़ाने की, तो उनको ध्यान देना बंद कर दीजिए, इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगले को सब समझ में आता है, एक बार दो बार तीन बार नहीं ध्यान देंगी ना, उसके बाद खुद ही बोलना खुद अपने आप बंद कर देंगे। द पॉइंट नंबर टू इज फोकस ऑन यू, योर हस्बैंड, एंड ट्राई टू डिजाइन अ वेरी सक्सेसफुल और बहुत अच्छी एक हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में एक डिज़ाइन बनाइए। और देखिए कि उसके आसपास कोई फिट नहीं होता साथ में, पहले आप और वो, आपके हस्बैंड प्रायोरिटी है, उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आप और आपकी फैमिली आती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपके इन लॉज आ जाते हैं, आपकी खुद की भी फैमिली आ जाती है, काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप है लाइफ का वो यही वाली है। क्योंकि गाड़ी के दो पहिए, अगर वो साथ में नहीं चलेंगे तो गाड़ी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और वो पर्पसफुली ऐसा करती हैं, पर्सनल अटैक जानबूझ के करती हैं, उनको पता है कि आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर उनको लगे ना कि ये चीज़ कि वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती आपको किसी भी कॉज पर, बोलना छोड़ देंगी वो, उनको पता चल जाएगा कि मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा ना इसके ऊपर, तो फिर मैं क्यों बोलूं। और अल्टीमेटली अपने आप सुधर जाएंगी, नहीं सुधरेंगी तो वक्त सुधार देगा। बस आपको यही करना है कि आप अपने बिहेवियर में केवल अपने आप पर फोकस करिए, अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करिए, एंड जस्ट लाइक सपोर्ट टू योर हस्बैंड। और मैं मानती हूँ कई बार कई हस्बैंड उसको वाइफ सपोर्ट करती हैं, लेकिन मदर इन लॉ के मैटर में मैंने देखा है कि बिकॉज समटाइम्स दे आर ममाज बॉय, तो वो क्या है कि अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीमली गलत है। हमेशा उनको ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि मेरी वाइफ मेरे पीछे आई है, परिवार के पीछे नहीं आई है। तो आपको यू शुड टेक अ प्रॉपर स्टैंड, मतलब एक अच्छा खासा आपको पूरी इस ये चीज़ के लिए प्रति अलग से एक सोच रखनी पड़ेगी कि ये अगर किसी तरह से लोग उसको कमजोर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं घर में, इसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड स्टैंड अगेंस्ट द पीपल हु आर रॉन्ग टू योर वाइफ। उनके अटैक्स पर्सनली होते हैं जानबूझ के, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी इनर पीस को, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, बट डोंट बी अ विक्टिम। दैट इज माई लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री। आप विक्टिम मत बनिए उनका और उनकी बातों पर ध्यान में, शिकार बनाना बनाती हैं आपको और आप शिकार बनती हैं उनका, तो गलती तो आपकी भी है ना इसके अंदर, क्यों बनती है शिकारा। बी द मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस। अपनी भावनाओं पर और अपनी संवेदनाओं पर कंट्रोल रखिए, हर एक चीज़ के लिए रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। और आपकी कोई इनर पीस, मेंटल पीस को डिस्टर्ब जब ही कर सकता है जबकि आप उनको अलाउ करते हैं, इफ़ यू लेट देम।
अगर इफ यू वोंट लेट देम दे वोंट बी एबल टू डू इट. और फ्रेंड्स प्लीज शेयर विद मी व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की परेशानियां आप फेस करती हैं डे टू डे लाइफ में विद मदर इन लॉ, सो दैट आई कुड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर देम. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं. थैंक्स फॉर बींग देयर.